अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस रीवा में मूक बधिरों बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, जन जागरूकता रैली निकाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विंध्य बधिर संगठन एवं जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा में आयोजित किया गया। बताया गया कि सांकेतिक भाषा दिवस ऐसे व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है जो बोल और सुन नहीं सकते, संकेतों के माध्यम से एवं भाव भंगिमा से संवाद स्थापित करते हैं। इन मूक बधिरों दिव्यांगजनों के लिए प्रतिवर्ष 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा साप्ताहिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मूक बधिरों द्वारा विभिन्न मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जन जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। रैली का शुभारंभ सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक अनिल दुबे द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पुणे वापस विवेकानंद पार्क में पहुंची। कार्यक्रम का समापन विंध्य बधिर संगठन के संरक्षक अनिल सिंह तिवारी, व्याख्याता डाइट अध्यक्ष आशुतोष शुक्ला, सचिव प्रीतेश कुमार पांडे द्वारा किया गया। 300 बच्चे शामिल हुए कार्यक्रम में। शासकीय मूक बधिर विद्यालय एवं जिले भर से 300 से अधिक मूक बधिर दिव्यांग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मूक बधिर विद्यालय के अधीक्षक यूपी मिश्रा, राकेश मिश्रा, सच्चिदानंद पांडे, सतीश गौतम, संदीप त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी, प्रमोद गौतम, पंकज विश्वकर्मा, आशीष गुप्ता, वेद प्रकाश, धीरेन जायसवाल, सुनील तिवारी तथा सांकेतिक भाषा अनुवादक के रूप में के शर्मा उपस्थित रहे। लक्ष्मी एजुकेशन निशुल्क दे रहा प्रशिक्षण। वक्ताओं ने कहा कि मूक बधिर व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सांकेतिक भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां लक्ष्मी एजुकेशन द्वारा निशुल्क अभियान चलाया जाता है। कार्यक्रम में छात्रावास संचालक दिव्या झा ने धन्यवाद दिया। इस दौरान रंजना श्रीवास्तव, सोनाली श्रीवास्तव, नीलांजना पांडे, शिखर द्विवेदी, अभिनव पांडे, राजेश शर्मा, प्रिया चतुर्वेदी, अंशुमान गुप्ता उपस्थित रहे। प्रांजल और मेघा ने स्वल्पाहार बांटा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर बच्चों ने बिन गाना सुने इशारों की मदद से डांस की प्रस्तुति दी। वहीं साथ ही नेत्रहीन बालिकाओं ने स्वागत गीत सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के कार्यक्रम मनाया गया। प्रांजल सिंह बघेल एवं मेघा श्रीवास्तव द्वारा स्वल्पाहार वितरित किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।